हेलो ऑल, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और कई फीमेल्स इससे प्रभावित होती हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर किन फीमेल्स में ज़्यादातर होने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो रहता है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है 20 हफ्ते के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी किडनीज प्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। ये क्यों होता है? काफ़ी स्टडीज़ हो रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। लेकिन वो फीमेल्स जिनका पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, या जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, या जो 40 ईयर्स से अबव प्रेगनेंसी जिनको हुई है, जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, दो या दो से ज़्यादा बच्चे कैरी कर रही हैं वो गर्भाशय में, या फिर जिनको कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिनकी फैमिली में उनकी मदर को या उनकी सिस्टर को भी प्री एक्लेम्सिया या फिर हाइपरटेंशन रहा है, तो उन फीमेल्स में ये कंडीशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आपको सिर दर्द रह सकता है, आपको एपिगेस्ट्रिक पेन, मतलब आपके पेट के ऊपरी भाग में छाती के बिल्कुल नीचे आपको दर्द रह सकती है, आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है, पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है, आपके हाथों की उंगलियों की रिंग्स टाइट हो सकती हैं, सूजन आ सकती है, आपके पेशाब में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये सिवियर केसेस में चला जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन सिम्टम्स को समझें। आप अपना रेगुलर जब भी जाते हैं आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपना ANC चेकअप कराने, तो आपका ब्लड प्रेशर और वेट हर विजिट में लिया जाता है। ये यही देखने के लिए लिया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही है। और अगर ये प्री एक्लेम्सिया डेवलप होता भी है तो हमारे पास टैबलेट्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने की कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम आपको दे सकते हैं। हम आपको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस करते हैं। हम आपको कुछ रेड फ्लैग साइंस बताते हैं कि मान लो अगर आपका बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है, या आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया है, या फिर आपको पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही है, या दौरों जैसा लग रहा है, या बहुत तेज़ पेट में दर्द उठ रहा है, पेशाब बिल्कुल कम आना शुरू हो गया, तो ये कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं जो कि पेशेंट को अवेयर रहना चाहिए इन सिम्टम्स के लिए, क्योंकि उस कंडीशन में हमें इंट्रावीनस मतलब आपकी नाड़ी में भी दवाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी आपकी जान बचाने के लिए हमें अर्ली सिजेरियन सेक्शन या फिर अर्ली डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर BP नापने को प्लीज़ आप एक सिंपल चीज़ ना समझिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रेगुलर हर विजिट पे अपना BP मॉनिटर करवाइए, और अगर BP हाई आता है तो आगे क्या करना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूरी सलाह लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल थी। थैंक यू सो मच।